लाइंस पे डाल के जो भी सेक्शन में काम करना है, जहाँ पे लाइनिंग पूरी स्प्रेडिंग करना है, सबसे पहले उसको टैंगल फ्री करना है बहुत अच्छे से कोम और शाइन स्प्रे। तो हेयर एक एक हेयर एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से उसको कूलिंग स्प्रेडिंग कुछ भी, तो साथ में दो हेयर और नहीं आएंगे जिसको आप कूल करना चाहते हो वो ही, मतलब फिनिशिंग लेवल आपका मेनटेन रहेगा। ठीक है, अगेन कूलिंग करना है, हैंगिंग पीछे से पकड़ना है, यहाँ पे स्टे करवाएंगे। ये लाइन करने में आपको मतलब नया क्या करना है, आज लास्ट डे है तो ये चीज आप यहाँ कुछ भी नया नहीं है, हम वो ट्विस्ट भी कर चुके हैं, हम आपसे लाइनिंग भी कर चुके, बस प्लेसमेंट चेंज हुआ है। हम फ्रंट में करते थे वही चीज ये हम स्लांट में कर रहे हैं, दैट्स इट, मतलब कुछ नया नहीं है। ये टेक्निक आपको आती है, सिर्फ वो प्लेसमेंट आपको चेंज करना है। ठीक है, फिर कोई बोल रहा था ना कि फ्रंट में ये दो चीजें सीखनी है और यहाँ से, ठीक है, ये वही चीज है, ये स्लांट में है, वो छोटे सेक्शन लेके फ्रंट में लेना है। और ये लाइन हमने थोड़ी दूर दूर निकाली है, फ्रंट है तो हम थोड़ा पास पास ही करते, टेक्निक यही है, बस वो प्लेसमेंट चेंज होता है, या फ्रंट से ले रहे हैं या फिर क्राउन एरिया में ले रहे हैं। जी जी, मतलब टेक्निक एक ही हम सीखते हैं, बट वो काम कितनी जगह पे हमें लेनी है वो आपको पता चल गया है कि हाँ भाई है एक ही चीज, एक चीज आपने सीख ली, कितनी चीजें क्रिएट कर सकते हो आप। सिर्फ और सिर्फ कॉपी ही नहीं करनी है, मतलब ये चीज यहाँ पे बोल सकती है, हो सकता है ये आपको खुद को जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो सारी चीजें क्लियर भी होती जाएगी आपके माइंड से। ये करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है, तो ये सारे यहाँ से कर्ल्स हो गए, मतलब हर एक चीज हो सकती है, सिर्फ लो सेक्शन करके भी आप छोड़ सकते हो बाकी के हेयर को, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा करेंगे